ओके बहुत हो गया मजाक। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इनसेनली चीज करने वाले हैं। तो गाइस इनसेनली चीज का मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि क्राफ्ट वर्ल्ड में इस गेम में आज तक वो चीज किसी ने नहीं करी होगी, और वो क्या है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 24 hours डायमंड माइनिंग। या गाइस इतने 24 घंटे हम लोग बैठ के डायमंड्स माइन करेंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में। प्लीज सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगाई है क्योंकि 24 hours से इतने डायमंड्स लगभग मेरे को मिल जाएंगे। और हाँ गाइस मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि मैं सिल्क टच के पिकेक्स से माइन करूंगा, क्योंकि जो मेरे फॉर्चून 3 के पिकेक्स है इससे लगभग अगर मैं 5-6 घंटे माइन करूंगा तो मेरी पूरी इन्वेंट्री डायमंड से भर जाएगी। और मैं सोचूंगा कि मतलब लाइक ऐसा सिल्क टच से मैं पूरा का पूरा ब्लॉक ले लूंगा, और बाद में से ओवर इस जगह में आके अपने बेस में फॉर्चून 3 से उसको फॉर्चून कर दूंगा। तो ये मेरा प्लान ये है। और जल्दी से भाई मैं विदाउट टाइम वेस्ट करे मैं अपनी सिल्क टच की पिकेक्स बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कहीं तो रखी दी अपने सिल्क टच की, मतलब सिल्क टच की इंचांटमेंट। ये देखो ये भाई मैंने रख रखे है, सारे प्लानिंग में करके रखता हूँ। और भाई मेरे एग्जैक्ट 3 डायमंड्स रखे हुए हैं भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। मजा ही आ गया। चीज अपनी एक ब्रांड न्यू डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करते हैं, और जल्दी से एक सेकंड अनब्रेकिंग 3 भी लगा देते हैं। अनब्रेकिंग 3 चलो हो गया काम मेरा। अनब्रेकिंग 3 गाइस एक्चुअली में लगाना जरूरी है, क्योंकि मेरे आपको पता ही है टूल्स पे अगर हम अनब्रेकिंग 3 लगा देंगे ना भाई चांस ही नहीं है अगर टूट जाए। प्लीज यार हल्का सा ले लिए भाई, पहले सिलेक्ट 4 कॉस्ट। ओ माय गॉड और 4 कोस्ट। ओके मेरे पास 3 है, जल्दी से मैं 2-3 गायों को मार के आता हूँ। जल्दी से चलते हैं गायों को मार के आते हैं। चिकन्स आई एम सॉरी बट हमें आपको मारना पड़ेगा। ब्रो चलो हो गए बस 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 बस, ज़्यादा नहीं करना। हटो अरे भाई तुम्हें ब्रीड करवा दूंगा मुझसे। मैं आ गया यहाँ पे, अब ये पिकेक्स डालते और अनब्रेकिंग 3। ओ माई गॉड लेट्स गो भाई, मेरे एक्सपी गाइस 0 पे भाई जी। क्या मेरे एक पिकेक्स बन चुकी है, और ये मेरी वो वाले पिकेक्स है जिससे मैं तकड़ताड़ माइन करूंगा। और सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री क्लियर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ना आपको पता ही गाइस इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पूरे के पूरे इन्वेंट्री में या तो कोबलस्टोन से भर जाएंगे, और बाकी सारे कोई से ब्लॉक्स। सबसे पहले मैं अपनी ओके मेरे को वुड अपना पूरा स्टैक लेके जाना है, क्योंकि देखो वही वुड्स का काफ़ी ज़्यादा काम है। मैं ये वाली वुड लेके चला जाता हूँ, काफ़ी सारी है मेरे पास, उसको लेके चला जाता हूँ। और नहीं नहीं तो ग्रास है ना, ग्रास को उसमें, और जल्दी से गाइस मैं आप लोगों को मिलता हूँ सारा सामान सेटल करके अपना। ओके गाइस मैंने हर चीज़ तो तैयार कर ली है, देखो मैंने कुछ इस प्रकार से किया है सब कुछ तैयार। और अब सबसे ज़्यादा इस चैनल का सबसे इस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भाई 24 hours डायमंड माइनिंग का आसान नहीं है, ठीक है 24 hours। ओके मैंने अपनी सारी तरीके रखी है, ये हो गया। मैं पैड तो लेके नहीं जाऊँगा, और कुछ रह रहा भाई मेरी सारी कॉस्ट गई ब्रो। ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं अपने डायमंड्स माइन करके आते हैं। ओके थोड़ी सी सैंड भी लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है सैंड से एक सेकेंड। हाँ गाइस ये भी कहीं जाता है, मैंने यहाँ तरह तरह के मतलब लाइक व्यू बना रखे हैं, क्योंकि भाई देखो हर जगह है कोई ना कोई जगह जाती है, तो इसलिए मैंने वो बना रखे हैं। सैंड दे दे भाई तू, दे दे बच्चा जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और जल्दी से चलते हैं डायमंड्स माइनिंग के लिए, इसी किसी गेम में चलेंगे। चलो गाइज तो अब मैं बताता हूँ, मैं ना दूसरी बार ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना ज्यादा मेरे वाला इन्वेंट्री भर रखी है, अभी तो फिलहाल मैंने कम कर रखी। देखो कितने कॉबल स्टोन हो गए, इतने सारे भाई मेरे ऊपर के जो लेयर आपको 5 लेयर दिख रही ना बस इतनी भरी हुई थी, और 2 घंटे की माइनिंग में इतने कॉबल स्टोन हो गए भाई। मैं तो
पूरा एक स्टैक बढ़ जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग 14 ये ओर्स मिल गए मेरे को, और इनको फॉर्च्यून करके काफी अच्छे वो मिलेंगे। और गाइज देखो मेरा आर्मर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा आर्मर ऑलमोस्ट टूटने वाला है। मैंने क्या सोचा है, मेरे पास जो आयरन पड़े हैं ना, इनका मैं एक आयरन का हेलमेट और बूट्स बना लेता हूँ, उसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है गाइस मेरा जो आर्मर है भैया टूट गया है ना, मेरा बड़ा दुख होगा, तो इसलिए मैं रख देता हूँ फिलहाल को। बाद में जब मैं आऊंगा तो मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। अरे यार ये तब तक चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को मतलब मैं लावा में बार बार गिरना हो रहा था, तो इसलिए लेने पड़े मेरे को डायमंड्स, और अब मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ। और गाइस हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि मेरे को कितने डायमंड्स टोटली मिले ओर्स, और उसके फॉर्च्यून करके कितने मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मैं तो दोबारा जाने वाला हूँ माइनिंग पर। चलो जल्दी से माइनिंग पर दोबारा चलते हैं। बस फाइनली मैंने कर लिया है 6 hours कंप्लीट, और आई नो मैंने 24 hours कहा था, बट नो मैं धीरे धीरे करके लाइक इसको बना दूंगा। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं जो गोल कहता हूँ कंप्लीट नहीं करता वीडियोस में, चलो भाई स्टिल, बट 6 घंटे की माइनिंग से ही मेरे को इतने डायमंड मिल गए कि भाई मेरा आगे का मन ही नहीं डायमंड माइन करने का। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कि कितने मेरे को डायमंड्स मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये रहता है मेरा नॉर्मली जो भी मेरे ओर्स हैं, मेरे काफ़ी सारे आयरन के, गोल्ड के, और इनके ओर्स मिले जो मैंने, और ये मेरे कॉबल स्टोन्स कुछ, और फाइनली बीच में आते हैं मेरे डायमंड। गाइज मेरे को मिले हैं 156 डायमंड्स, यानी कि 2.5 stack ऑफ डायमंड्स ब्रो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है यार ये। और अब मैं जल्दी से इनको फॉर्च्यून 3 करूंगा, और गाइस एक डायमंड तोड़ने पे मेरे को 4 diamonds मिलेंगे। जल्दी से ये देखो भाई, मैं डायमंड्स हाथ में पकड़ो, ओहो भाई स्टैक डायमंड्स मुझे आगे। जल्दी से मैं इसको प्लेस करता हूँ, और फिर जल्दी से इसको फॉर्च्यून कर देता हूँ जल्दी से। ओके गाइस देखो, इतने 100 diamonds का स्टैक कंटिन्यू हो गया है, देखो कितना 100 है ब्रो, भाई सूरा अंदर से भी भरा पड़ा है डायमंड्स। अभी देखो मेरे फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स है, और जल्दी से हम इसे माइन करते हैं। देख मैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने डायमंड्स मेरे को मिले हैं। गाइस क्या आप लोग तैयार हो डायमंड्स देखने के लिए? भाई इतने सारे, और मेरी एक बार एक्सपी पे नज़र डालो, 21 थी और 29 हो गई, सही है। और अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे 6 घंटे की मेहनत। तो गाइस मेरे को मिले हैं पूरे के पूरे 280 डायमंड्स, ओ माय गॉड इतने सारे, भाई मैंने अपनी लाइफ में इतना बढ़िए इतने सारे डायमंड नहीं कमाए भाई, मेरी फॉर्च्यून 3 का कमाल है इतने सारे डायमंड्स का। और जल्दी से मैं एक सेकंड देखता हूँ कि ओ भाई बस देख लो भाई इतने सारे स्टैक, 5.5 stack डायमंड नहीं है। ओके अब देखते हैं कि कितने ब्लॉक्स बन पाते हैं इसके। ओ माय गॉड बना 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 बना, ओ भाई 38 डायमंड के ब्लॉक्स प्लस 2 diamonds बच गए, कोई बात नहीं 38 डायमंड के ब्लॉक्स, ओ माय गॉड। भाई गाइस किसको भिजवा, किसी को अपने घर भिजवाना है डायमंड्स, मेरे को कॉल करते ना, हम आपको डायमंड्स दे देंगे फ्री में। ये लो आप लोग, ये देखो, ओ भरो मैंने अपनी लाइफ में इतना खतरनाक माइनिंग कभी नहीं करी गाइस, कैसे एक लाइक बनता है यार, बहुत मेहनत करी है ब्रो, मज़ा आ गया मेरे को तो।
तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। भाई मेरे को तो बहुत मजा आया आज की इस वीडियो पे, और मेरे को काफी ज्यादा, मतलब 6 घंटे है ना, तो मेरा छठा दिन चल रहा है। इतनी ज्यादा मैंने माइनिंग करी और भाई फाइनली मेरे पास लाइक मतलब 5.5 स्टैक ऑफ डायमंड्स आ चुके हैं, और उनसे 38 ब्लॉक्स डायमंड के बन चुके हैं। तो गाइस अब काफी ज्यादा हम अमीर हो चुके हैं, और मैं अपने डायमंड को भी, मतलब डायमंड के आर्मर को भी अगले एपिसोड में रिपेयर कर लूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।